नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विधानसभा प्रभारी डिंपल सिंह के नेतृत्व में भाजपा विधायक कुंवर प्रणव का पुतला दहन किया। आपको बता दें, भाजपा विधायक ने उत्तराखंड को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया था। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विधानसभा प्रभारी डिंपल सिंह के नेतृत्व में देवभूमि उत्तराखंड को लेकर जो अपशब्द भाजपा विधायक ने कहा था, उस पर आपत्ति जताते हुए भाजपा विधायक कुंवर प्रणव का पुतला दहन पूल नंबर एक पर किया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए विधानसभा प्रभारी डिंपल सिंह ने कहा कि भाजपा विधायक ने उत्तराखंड का अपमान किया, साथ ही आंदोलनकारियों का भी अपमान किया है। प्रभारी डिंपल ने कहा कि जिन्होंने राज्य निर्माण के लिए अपना बलिदान दिया, उनका अपमान आम आदमी पार्टी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सह प्रभारी गुलफाम ने कहा कि भाजपा द्वारा 6 महीने के निलंबन एक बार फिर पार्टी में वापस लाना उनके दोहरे चरित्र को उजागर करता है। पुतला दहन करने वालों में शामिल मनोज चौधरी, रोहित कश्यप, राहुल भट्ट, प्रतीक सक्सेना, सौरभ कश्यप, रामपाल राठौर, नितिन वर्मा, दीपक राठौर, मेनोपाल आदि मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, एचबीएन न्यूज। आप अपना परिचय बताइए और उसके बाद जो अभी आपने यहाँ पर पुतला दहन किया है, किस मुद्दे को लेकर आपने पुतला दहन किया है? मैं विकासनगर विधानसभा प्रभारी आम आदमी की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से डिंपल बात कर रही हूँ। और पूरे उत्तराखंड में आज कुंवर प्रणव चैंपियन का पुतला दहन किया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से। और सभी इसके कारण भी जानते हैं, ये वही प्रणव चैंपियन है जिसने उत्तराखंड को गाली देकर शर्मसार किया, यहाँ के आंदोलनकारियों को शर्मसार किया। और ये जो दोगुनी राजनीति करती है भाजपा, ये यहाँ पर नहीं चलने वाली है। ये लोग ऐसे लोगों को संरक्षण दे रहे हैं जो उत्तराखंड को बार बार अपमान कर रहे हैं। ये उत्तराखंड का अपमान नहीं है, आंदोलन पूरे आंदोलनकारियों का अपमान है, पूरा उत्तराखंड का अपमान है। हमारा कोई भी उत्तराखंड वासी इस अपमान को नहीं सहेगा। और ये भाजपा के लिए बहुत ही मतलब शर्म की बात है, डूब मरना चाहिए ऐसे लोगों जो संरक्षण दे रही है। भाजपा एक ऐसी राजनीति कर रही है जिसपे हमें बहुत दुख भी हो रहा है कि कहते हैं कि वो देशभक्ति एक तरफ नारे लगाते हैं और उन्हीं लोगों को उत्तराखंड को जो अपमान कर रहे हैं बार बार लाया जा रहा है यहाँ पर। तो भाजपा मुर्दाबाद और आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। जय हिंद। एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। मुश्किल इस राह में मुस्कान नहीं छोड़ूंगी, ऊंचाई की चाह में स्वाभिमान नहीं छोड़ूंगी। महुआ विधानसभा क्षेत्र के दोनों प्रखंड के अंतर्गत विभिन्न पंचायतों में पिछले 3 सालों से मेडिकल कैंप लगाकर लोगों की सेवा में तत्पर। कोरोना जैसे महामारी को आए हुए 5 महीने हो गए, जब शहर के सारे डॉक्टर और हॉस्पिटल बंद है, लेकिन इन्होंने इस संकट के घड़ी में भी लोगों की सेवा में लगे हुए हैं अपने अस्पताल के माध्यम से। पिछले 5 महीनों से कोरोना वायरस जैसे खतरनाक बीमारी से बचने के लिए लोगों के बीच साबुन, मास्क का वितरण और लोगों के बीच घूम घूम कर इस बीमारी के खिलाफ सजग रहने की सलाह दी। महुआ विधानसभा क्षेत्र में मेडिकल कैंप के दौरान फ्री दवा का वितरण। क्यों करे विचार, ठीक तो है नीतीश कुमार। डॉक्टर आसमा परवीन, प्रदेश महासचिव जदयू बिहार, सहभावी विधायक प्रत्याशी महुआ विधानसभा 126। संस्थान मिशा क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड, जौहरी बाजार, हाजीपुर, वैशाली।